हाय गाइस, सबका ऑटो लिंकल चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो है मास महाराजा की मूवी अजय देवगन की जो है भोला, जो सबसे सुर्खियों में है, चर्चे में है, और जो है आज उसका जो है एडवांस बुकिंग चालू हो चुका है। और इसके ऊपर चर्चा करने के लिए जब भी आपको मैं बताता हूँ कि क्रेज़ी हम जो है जब भी कोई मूवी आती है, चाहे जो भी खबर हो, उसके ऊपर क्रेज़ी हम में चर्चा ज़रूर करते। तो हमारे एक्सपर्ट आ चुके हैं और हमारे एक दिल दोस्तों, एक बात यह है, आप लोग जो है उनका चैनल जो है बॉलीवुड क्रेज़ी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत हमारे साथ मिल के मेहनत करते हैं और इतना दिल लगा के हम लोग काम करते हैं ना, आप लोग को अच्छी अच्छी खबर देते। तो दोस्तों बोला, अरे आ गए भाई, आ चुका है दोस्तों, बोला आ गया, आ चुका है, बोला आका गया, धमाका होने वाला है। तो सर फाइनली जो है एडवांस बुकिंग जो है मास महाराजा की मूवी जो है सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, वो चालू हो चुकी है, उसके बारे में कुछ मैं सिर्फ ये कहूंगा, चिंगारी लग चुकी है, ज्वाला भड़कने वाली थिएटर्स में, क्योंकि आज आज जो एडवांस बुकिंग खुली है, अभी 6 दिन पूरा बाकी है, एक बहुत बड़े तौर पर कलेक्शंस करेगी ये फिल्म। और बहुत सारे क्रिटिक्स जो अभी से कह रहे हैं कि 12 से 14 करोड़ की रेंज में ये फिल्म कमाएगी, मैं आपको कहता हूँ, यही कहना चाहूंगा, सपनों से जागिए और भोला का टिकट लेने के लिए भागिए, क्योंकि भोला तहलका मचाने वाली है 30 मार्च 2023 को, क्योंकि 30 तारीख को गुरुवार है, यानी कि 4 दिन का वीकेंड होगा, गुरुवार को फिल्म चलेगी। उसने आई थिंक रामनवमी कुछ तो एक त्यौहार है, उसका पूरा फायदा मिलेगा, फिर शुक्रवार शनिवार रविवार, तो आप सोचिए गजब का कलेक्शन। आज फिर मरने की तमन्ना है, बहुत अच्छा। दोस्तों ये सब इंजॉयमेंट करने के लिए आपको थिएटर तक जाना होगा, और थिएटर तक जाने के लिए सर जो बोल रहे हैं, देखो अभी से हिल रहे भाई, वो थिएटर में जब टाइटल ट्रैक बजेगा ना भोला का, ए भोला, मजा आएगा अशोक सर। हाँ हाँ, सही है सही, वो जो एक्शन सीन देख के टीजर में मैं अभी से पगला रहा हूँ, मैं जब थ्री में चश्मा लगाऊंगा ऐसे काला काला, तो और मजा आने वाला है। उड़ी मारेंगे कहीं अपने को तो ना लग जाए, अपने को लगेगा सर। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, ये ऑफकोर्स ये रोंगटे खड़े हो रहे मेरे को अभी तक बोलते बोलते, सोचिए मैं फिल्म देखूंगा तो मेरे जज्बात कैसे कैसे तरह से बाहर। सर एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है जोरों में, आप कितने एक्साइटमेंट? पहली बात तो अशोक सर, 11 दिन पहले इसकी एडवांस बुकिंग खुल चुकी थी, लेकिन IMAX 3D वर्जन में और IMAX 4DX वर्जन में खुली थी, और 2D और 3D वर्जन में खुलनी बाकी थी, वो आज खुल चुकी है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, जितने भी सर्किट है, जितने भी बड़े बड़े सर्किट है, उन सब जगह एडवांस बुकिंग खुल गई है, और धीरे धीरे जो थिएटर्स बचे हुए वहाँ पर भी एडवांस बुकिंग खुलने लगी है। मल्टीप्लेक्स चैन जैसे INOX, PVR और सिनेप्लेक्स, इन सब जगह पर भी खुल रही है, लेकिन हाँ जो सिंगल स्क्रीन है वहाँ पर अक्सर जो एडवांस बुकिंग खुलती है वो कुछ वक्त के बात खुलती है, और मेरा ऐसा मानना है कि वो फिल्म की रिलीज के 2 से 3 दिन पहले खुल जाएगी, जिसे हम सिंगल स्क्रीन कहते हैं, जो शायद बुक माई शो पर दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि बहुत से ऐसे छोटे छोटे थिएटर्स है जो बुक माई शो पर कनेक्टेड नहीं है, जो जहाँ पे आप नॉर्मली जाओगे 50, 60, 80, 90 रुपए टिकट होता है, तो वहाँ पे भी इसकी एडवांस बुकिंग मुझे लगता है 2 से 3 दिन पहले खुलेगी, और वहाँ पे ही फिल्म कमाएगी, वहाँ पे फिल्म कमाएगी। भोला कलेक्शन किसको समझ में नहीं आया कहाँ से हुआ, लेकिन भोला का कलेक्शन वहाँ से होगा जहाँ से कुछ समझ नहीं पाएगी। पठान का भी कलेक्शन कोई समझ नहीं पाया, लेकिन उनको पता नहीं है कि इंडिया में कितनी पब्लिक है, कहाँ कहाँ देखती है। बहुत सारे लोगों को लगता है बुक माई शो पे जो डेटा आते हैं वही सही है, लेकिन उसके बाद भी एक दुनिया है भाई, उसके बावजूद थिएटर्स है, उसके बावजूद सिंगल स्क्रीन थिएटर्स है, तो चलेगी सर, धमाकेदार चलेगी। तो आप लोग ने देखा हमारे सूर्या सर जो है इतना पूरा कॉन्फिडेंस से जो है, मतलब पूरा आज जो है, मतलब उन्होंने अपनी दिल की बात बोल दी, एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है। तो दोस्तों यही मैं बोलूँगा, ये भोला टिकट जल्दी बुकिंग कीजिए। बस मैं यही चाहूँगा कि सर के जो चैनल है बॉलीवुड क्रेजी को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऑटो हाँ सब्सक्राइब करें। बस इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।